वेलकम टू इल्यूमिनाटी वेंचर्स। इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आई एम जस्ट सुपर स्टोक्ड इन आवर सर्च फॉर शोइंग यू द बेस्ट प्रॉपर्टीज दैट गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1-4 एंड सुशांत लोक दैट हैज टू ऑफर। वी आर राइट नाउ इन सुशांत लोक 1 शोइंग यू अ ब्रांड न्यू 300 स्क्वायर प्रॉपर्टी जो एज यूजुअल खत्म होने में 15-20 मिनट बचे हैं। जब तक आप वीडियो देखेंगे और आएंगे तब तक ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी होगी। बट गिवन कि यहाँ पे इतने लिमिटेड ऑप्शंस इतनी सुंदर बनती हैं, दिखाना तो बनता था। सो राइट नाउ आई एम एट द स्टिल्ट लेवल ऑफ दिस फ्लोर। मतलब ये बिल्डिंग बहुत ही निहायत ब्यूटीफुल तरीके से बनी हुई है। ये इसका स्टिल्ट लेवल है। पूरी आप दीवारें देख सकते हैं सारे में, मतलब इतना बढ़िया पीओपी का ट्रीटमेंट एंड फिनिशिंग हो रखी है। सीलिंग्स पर जो लाइट लगी हुई है, मतलब माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हमको हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अभी ब्रांड न्यू फिनिश हो रही हैं या इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग है वो हम आपको दिखाएं। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा वेलकम वॉल स्टाइल की चील बनाई है जो कि एक वर्टिकल गार्डन की तरह से फिनिश किया है। हालांकि ये है आर्टिफिशियल, देखने में लगता बड़ा अच्छा है। ऊपर अपना ट्रैक लाइट्स लगी हुई हैं जो इसको पॉइंट करती हैं एंड साथ में स्टिल्ट लेवल पे पूरे में कैमराज लगे हुए हैं एंड कॉमन एरियाज में कैमराज लगे हुए हैं। दिस इज़ बेसिकली एन एडिशनल सेफ्टी फीचर जो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। एंड घर इतना सुंदर है कि ज़रा दिल थाम के बैठिए, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लेवल में 4 गेट्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गेट नंबर 1, 2 खुला हुआ है, 3 और 4। एंड इन 4 गेट्स में आपको मिलती है अपनी डेडिकेटेड लाइन पार्किंग के लिए। 2 गाड़ियों की पार्किंग तो मिलेगी ही मिलेगी, बट अगर आप टॉप एंड बॉटम फ्लोर लेते हैं तो आपको एक बड़ी वाली लेन दे देंगे जिसमें कि आप 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं अपनी स्टेट लेवल के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसको अभी हम कवर नहीं करेंगे, बट ये अपर ग्राउंड के साथ मिलता है, बेसिकली एक एडिशनल छोटा सा एरिया। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये जो लॉकेबल एरिया यहाँ पे जो आप गेट्स देख रहे हैं, ये गेट्स के अंदर से आपकी लिफ्ट लॉबी स्टार्ट होती है और सर्वेंट क्वार्टर्स भी इसी क्लोज ऑफ एरिया के अंदर यहाँ से आते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे चारों सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, पीछे उनके वॉशरूम्स हैं एंड मतलब टोटल नेट मज़ेदार चीज़ है। अंदर जब आप थोड़ा डीप जाएंगे तो यहाँ पे यू विल फाइंड आउट कि सिलेंडर रखने की भी जगह यहीं पे है। सर्वेंट क्वार्टर्स इतने बड़े ज़रूर हैं कि इसमें आप एक एडिशनल स्टोर अलमारी वगैरह बना सकते हैं जिसमें कि आप खूब सारी एडिशनल स्टोरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे से एक छोटा सा एरिया आपको दिखा देता हूँ, ये सिलेंडर्स का होल्डिंग एरिया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अलमारियाँ हैं बेसिकली, जहाँ पे चारों फ्लोर के 2-2 सिलेंडर पर फ्लोर आराम से आते हैं, एक यूज के लिए एक बैकअप के लिए एंड हो गया। अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ फ्लोर और उसके बाद दिखाऊंगा टेरेस भी, बिकॉज इसमें अभी चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको अपर ग्राउंड और उसके बाद सीधा टेरेस। और टेरेस तो मतलब वीडियो के एंड तक वेट कर लेना, टेरेस इतनी सुंदर है ना, मेरी गारंटी है आपने ऐसी टेरेस शायद एक तो देखी होंगी, लेकिन उसी लेवल की है। मतलब गुड़गांव की इस टाइम पे टॉप 5 प्रॉपर्टीज अगर कोई होंगी तो इस टेरेस की, मतलब उससे डायरेक्ट कंपटीशन है। बहुत ही सुंदर चीज़ है। लेट्स गो। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। हैव अ लुक, मतलब देखने वाली चीज़ है। येल का ऐसे मतलब कनेक्शन वाला लॉक पूरा, मतलब दुनिया में जहाँ पे भी हो वहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। मज़ेदार चीज़ है। दरवाजे की पूरी शक्ल देखिए आपने, कितनी बढ़िया चीज़ है। ध्यान से देखा करो यार सब चीज़ें, फिर जब प्रॉपर्टी देखने आते हो तो कन्फ्यूज आते हो। देख लो, अब यहाँ से चलेंगे, आपको ये प्रॉपर्टी का इंटरनल सारा जो हिसाब किताब है, मतलब ब्यूटीफुल। आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ, दिखाओ आप। दरवाज़ा यहाँ पे करते हैं बंद एंड दिखाते हैं आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, मतलब
बहुत ही बढ़िया, किसी को बताना मत, खुदा के ले लो ये प्रॉपर्टी। ये है इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ये जो आप पंखे देख रहे हो ये बेसिकली डिनोट करता है कि ड्राइंग कौन सा और डाइनिंग कहाँ पे शुरू हो गया। दिस इज बेसिकली ड्राइंग। यहाँ पे आप अपने सोफे ओफे लगाएंगे, सामने जरा टीवी शीवी लगाएंगे, और मतलब मजेदार, इस वॉल को एक बारी नजर मारो, मतलब पूरा स्टोन वर्क, ग्रूव्स काट के, ऊपर ट्रैक लाइट्स नॉन मैग्नेटिक जिसको आप लेफ्ट राइट कहीं पर भी कर सकते हो, और कोई दूसरी लाइट चाहो तो उसमें भी लगा सकते हो। ट्रैक के सारे मॉड्यूल्स आज की रेट में इजीली अवेलेबल है। और इतनी धांसू चीज है ना, ये सबसे एक्सपेंसिव लाइटिंग की चीज यही होती है, मतलब बढ़िया। और साथ में शैंडलियर, मतलब बढ़िया 50-60 हज़ार वाला जो शैंडलियर होता है ना, पूरी लाइट फैलाने वाला लेफ्ट राइट, और इतना सुंदर शिमर है इसका, मतलब ब्यूटिफुल। इस पंखे के नीचे आता है आपका डाइनिंग टेबल। यहाँ पे आप लगा सकते हैं आराम से 6-8 सीटर डाइनिंग टेबल, जो कि इजीली अकोमोडेट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं लगाते तो ये एक इतनी बड़ी जगह यहाँ पे और है किचन के बिल्कुल सामने, आप यहाँ पे आराम से 10 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, बिकॉज ये एक ब्यूटिफुल एरिया है यहाँ पे दिखाने के लिए। सो ये था इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पूरे घर में एल्यूमिनियम की प्रोफाइल्स लगी हुई हैं, जितने आप वो देख रहे हैं ना वहाँ पे, मतलब चलो चल के देख ही लेते हैं ना। ये है इसका पहला बेडरूम, द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी, ब्यूटिफुली डन। सारे घर के एसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, काम कुछ नहीं बचा है। ये अपर ग्राउंड फ्लोर है जो मैं शूट कर रहा हूँ, बाकी के ऊपर के तीनों फ्लोर अभी अंडर फिनिशिंग है, उसमें ऑफकोर्स चीज़ें लग रही हैं, लेकिन जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको यही वाला घर में लेगा, रिगार्डलेस कि आप कौन सा फ्लोर परचेज करते हैं। टॉप एंड बॉटम थोड़े एक्सपेंसिव है, मिडिल फ्लोर थोड़े सस्ते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप लेना क्या चाहते हैं और आपका बजट क्या है। ये है इसकी बैल्कनी जो कि लॉकेबल है, लॉक के साथ आती है, मज़ेदार चीज़। तो ये है इसकी बैल्कनी, बैल्कनी में एक बार नज़र मार लो, बहुत ही सुंदर, रफ एंड टफ यूज़ के लिए बनी हुई, कभी ख़राब ना होने वाली बढ़िया चीज़ बन के लग चुकी है। यहाँ पे ये सारे एग्जॉस्ट यूनिट्स हैं बिकॉज डाइकिन के सारे एसीज लग चुके हैं। ओके, तो ये एल्यूमिनियम पार्टीशन अपना करते हैं बंद। कमरे में एज यूजुअल अलमारी है नहीं, अलमारी कहाँ है, अलमारी वॉशरूम के अंदर जाती है। दिस इज वेयर द कबर्ड इज, कबर्ड को जरा एक बारी चेक आउट तो कीजिए सर, मतलब जस्ट हैव अ लुक। बढ़िया अपना लॉकेबल ड्रॉर के साथ, इनफ हैंगिंग, एंड साथ में एक छोटी कबर्ड, ये ऑफकोर्स हस्बैंड के लिए एंड वो बड़ी वाली वाइफ के लिए, मतलब बेसिकली हिसाब बिल्कुल टॉप क्लास है। तो ये है आपका बाथरूम, बाथरूम में ये पूरा एक्चुअल स्टोन का काम हो रखा है, ये दीवारों पे टाइल्स लगी हुई हैं वो भी ग्रूव्स के साथ, बेसिकली इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये स्टोन है, सारे में कोलर की फिटिंग्स लगी हुई हैं, एंड ये मेरी खास फेवरेट चीज़ है कि ये जो दीवार से बाहर निकलते हैं, बिकॉज ये वाले थोड़े से सस्ते, ये वाले थोड़े महंगे, क्योंकि पाइप पीछे चलानी पड़ती है, एक्स्ट्रा लेबर थोड़ी लगती है, बट देख के मज़ा बड़ा आता है। ये इसका अपना टच वाला मिरर, और यहाँ पे इसका शावर यूनिट, साफ सुथरा ऊपर ओवरहेड रेन शावर, वहाँ पे मतलब बारिश में भीगने का पूरा एहसास। यहाँ पे सारे इसके कंट्रोलर्स और अपना नलका वगैरह, बढ़िया स्टैंडर्ड की चीज़ें, बढ़िया घर, बढ़िया सामान। और जैसे ही रेट किसी चीज़ का ऊपर जाए नीचे जाए, चीज़ अपने आप बोल देती है कि वो किस प्राइस की है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं, ये है इसका सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम में ये बेड साइड वॉल है, यहाँ पे आपका बेड आता है, वो बेड साइड वॉल है, वहाँ पे आपका बेड आता है बिटवीन द स्विचेस, उसके साइड में साइड टेबल्स रखने की जगह है, यहाँ तक आपका बेड आएगा, दीवार पे यहाँ पे टीवी माउंट करने की पूरी जगह है, और सामने पूरी अच्छी बड़ी वार्डरोब्स हैं सुंदर सुंदर हैंडल्स के साथ, बड़ी बहुत ही अच्छी फील, बहुत अच्छी है वैसे हैंडल्स की, आके चेकआउट करना मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे एक इसका वॉशरूम है, वॉशरूम ना ये दरवाज़ा इधर से भी खुलता है, और साथ में एक दरवाज़ा यहाँ पे भी है जो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा, यहाँ से बाहर से भी एंटर कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। और वो दरवाज़ा ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि कैमोफ्लेज डोर्स का ज़माना है, नज़र आते नहीं ये दरवाजे। एनीवे, हम वापस आ गए हैं अपने डाइनिंग एरिया / फैमिली लाउंज में। इसमें यहाँ पे सीन ये है, ये ना वो दरवाज़ा बाय द वे जो बाथरूम के लिए आपको दिखाया था, राइट हियर, ये रहा बाथरूम, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि बाथरूम गायब हो गया है। सो ये बढ़िया दरवाज़ा है, यहाँ पे आप अगर डाइनिंग टेबल नहीं लगाते तो आप यहाँ पे टीवी माउंट कर सकते हैं इधर या इस वॉल पे, यहाँ पे अपने रिक्लाइनर्स लगा सकते हैं, एंड इसके बाद देखेंगे अपने बाकी का एक तीसरा बेडरूम, फिर किचन, फिर मास्टर बेडरूम। सो एक मिनट, यहाँ पे है इसका
यार बड़ा चक्कर है, एक्चुअली दो मास्टर बेडरूम है। ओके, दोनों मास्टर बेडरूम्स आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले किचन भी दिखा देता हूँ। ये है इसकी पैरेलल स्टाइल किचन, दरवाजा सेंटर में और पूरी किचन साइड बाय साइड चलती है। पूरी किचन डीको पीयू में फिनिश हुई है, एक भी इसमें जॉइंट नहीं है। इस ये पूरी जॉइंटलेस किचन है। आप थोड़ा सा इसको पास से आगे देखिए कहाँ पे ख़त्म होती है, पूरी सीमलेस फिनिश अंदर लैमिनेट और बाहर पूरा पीयू डीको का काम हो रखा है। यहाँ पे इसकी सुंदर सी टच वाली चिमनी और साथ में एक बड़ा सा हॉब है जो अंदर रखा हुआ है। अभी बस जब तक आप आओगे ना तब तक लग जाएगा पक्की बात। यहाँ पर माइक्रोवेव एंड ओटीजी और यहाँ पे विकर बास्केट। विकर बास्केट्स प्याज लहसुन वाली ना जनरली बड़ी कम नज़र से देखने को मिलती है, बट इंडियन हाउस होल्ड में चाहिए ज़रूर होती है। सो यहाँ पे लगी हुई है। इधर है इसका सिंक यूनिट और यहाँ से है एडिशनल वेंटिलेशन, जिससे कि आप पीछे की बैल्कनी में जा सकते हैं। बैल्कनी बेडरूम से दिखा देंगे, कोई सी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। एंड एक बारी आके ये भी देख लो, इसका सुंदर सा सैमसंग आयरेक्स का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे आता है आपका फ्रिज का एरिया, अच्छा सा बड़ा सा फ्रिज लगाइए, मज़ा नहीं लाइफ। दो मास्टर बेडरूम, आज वो दोनों देख लेते हैं। ओके, दिस इज मास्टर बेडरूम नंबर वन। ओके, बड़ा सा मास्टर बेडरूम, ऊपर स्प्लिट एसी लगा हुआ है। सीलिंग हाइट, एक्चुअली मैं इस घर की आपको स्ट्रेस करना चाहूँगा, 10 से 11.5 फुट की सीलिंग हाइट्स हैं, डिपेंडिंग फॉल सीलिंग कहाँ पे कितनी है, बट बाय एंड लार्ज बहुत ही सुंदर सीलिंग हाइट्स हैं। एंड चारों बेडरूम्स में से एक बेडरूम को छोड़ के बेसिकली 300 यार्ड्स में एक बेडरूम बीच में छोटा निकलता है, बाकी तीनों बेडरूम्स बैल्कनीज के साथ होते हैं। यहाँ पे है इसका वॉशरूम, वॉशरूम में भी सेम स्प्रे पेंटेड ब्यूटिफुल पीयू डीको का काम हो रखा है, बहुत ही साफ सुथरा एंड बहुत ही सुंदर कबर्ड्स बनी हुई हैं, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल वर्क। ड्रॉर्स खूब सारे हैं, स्टोरेज का खूब सारा ऑप्शन है। यहाँ पे है इसका शावर यूनिट, शावर यूनिट अपना ऊपर रेन शावर के साथ है, कोलर की सारी फिटिंग्स लगी हुई हैं। ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं करेंगे, बट पॉइंट ये है कि काम बहुत ही नीट हो रखा है, नीट। आप जस्ट हैव अ लुक, ब्यूटिफुल, मतलब समझ रहे हो ना बात को। हाँ, वेरी नाइस, साफ सुथरी चीज़ है। इसको देख के चलेंगे। यहाँ पे आपका वो रफ जो हॉब एंड चिमनिया में जो हॉब है ना वो यहाँ पे नीचे रखा हुआ, बस ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम नंबर टू, दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। ये है आपका बेड का हेडबोर्ड, बहुत ही सुंदर काम करा हुआ मिलता है दीवारों पे। यहाँ पे आपका बेड आता है, सामने आपके है टीवी रखने की जगह, यहाँ पे टीवी हैंग होगा। अगर आप यहाँ पे कोई छोटा सा कैबिनेट वगैरह लगाते हैं तो उस पर सारी चीज़ें, टाटा स्केल वगैरह अगर अभी भी लगाते हो तो वो सब रखने की जगह है वैसे। एंड फाइनली आता है इसका वॉशरूम, वॉशरूम बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट। इसमें बहुत ही सुंदर ये ग्लास की शटर लगे हुए हैं, सॉफ्ट क्लोज वाले, ब्लैक ग्लास सॉफ्ट क्लोज। जस्ट हैव अ लुक, इसको मैं चैक यहाँ पे आके बंद होता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे इसका शावर यूनिट है। देखने वाली चीज़ ये है कि जस्ट देखो तो सही, क्या है देखने वाली चीज़, जस्ट ब्यूटिफुल स्टफ, बहुत ही सफाई से काम हो रखा है, बहुत मतलब ब्यूटिफुली मेड। इसमें जो काउंटर है मुझे खास करके बड़ा अच्छा लगा, कोलर के काउंटर्स हैं। एंड इस काउंटर टॉप के अलावा एक और टॉप है यहाँ पे, यहाँ पे जस्ट इमेजिन यू आर पुटिंग अप अ बिग वेस एंड बड़े बड़े से उसमें फूल, मतलब अरोमा थेरेपी नेक्स्ट लेवल, बहुत सुंदर लगेगा। एंड ये इसका टच वाला मिरर, बेसिकली नेट मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में हर चीज़ का ख्याल रखे, बहुत निहायत ही सुंदर घर बनाया है। एंड ये घर आपकी वेट कर रहा है, अब चलेंगे यहाँ से टेरेस पे, आ जाओ। ओके, तो आई थिंक आपको फ्लोर देख के मतलब दिमाग थोड़ा थनका जरूर होगा, काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। नहीं, अब इसके हम टेरेस में आए हैं। अब आपको कुछ पहले तो क्विक चीज़ें दिखाता हूँ। इस टेरेस का एक डेडिकेटेड एंट्री है, यानी कि यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जिसके पास इसकी चाबी होगी, और वो होगी किसके पास, टॉप फ्लोर वाले के पास। लेकिन अगर आपको टैंक्स देखने जाना है तो टैंक्स देखने जाने के लिए एक अलग से एरिया यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से आपके प्लम्बर ऊपर चढ़ेंगे, टैंक साफ करेंगे, मिट्टी निकालेंगे, आपका मतलब रेगुलर रनिंग रिपेयर मेंटेनेंस मस्त हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं, मतलब ज़रा देखो तो सही, जस्ट हैव अ लुक, इजंट दिस जस्ट ब्यूटिफुल। एक बारी बुद्धा जी को हेलो कर लेते हैं। आजकल मतलब टॉप क्लास प्रॉपर्टी में बुद्धा ना हो तो फिर मतलब पॉइंट ही बेकार, घटिया प्रॉपर्टी। ये देख, बढ़िया प्रॉपर्टी का निशानी, ठीक है। यहाँ से चलेंगे और आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही सुंदर, मतलब दिख रहा है ना, ये बार
मतलब क्या चीज है, जस्ट हैव अ लुक, मतलब जिंदगी में और चाहिए क्या यार, क्या चाहिए यहाँ। ये टेरेस मतलब पार्टी करने के लिए बिल्कुल एप्ट जगह बनाइए। यहाँ पे इस बार काउंटर पे आपको इंटरनली यहाँ पे वायरिंग मिल जाती है, इसमें पावर आ रही है एंड इसमें आप अपने कोई इक्विपमेंट लगा सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं, मतलब कुछ ढिंचैक डीजे कंसोल लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे सिंक भी दिया हुआ है पानी कनेक्शन के साथ। यहाँ पे ड्रिंक्स विंक्स बनाइए, बर्फ वर्फ फेंकने के लिए बहुत सही जगह। एंड उसके साथ यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा सेट आउट एरिया है। यहाँ पे अभी तो वैसे प्लास्टिक की चेयर्स लगी हुई हैं जो कि देखने में गार्डन फर्नीचर लगती हैं, बट एग्जैक्टली हैं ये प्लास्टिक की, बट है बड़ी सही। यहाँ पे एक शेडेड एरिया, एक एडिशनल मेजनीन जिसमें आप बैठ के आराम से ज़रा मौसम एंजॉय कर सकते हो। और मौसम आज की डेट में हो भी इतना बढ़िया रहा है, ये एक डेडिकेटेड बार एरिया, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे बैठने की जगहें हैं बहुत सुंदर सुंदर एंड मज़े से आप यहाँ पे बैठिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ से हमारी वो वाली एंट्री आ गई जो हम जहाँ से एंटर करे थे, बुद्धा जी को हमने हाई किया था। और यहाँ पे है एक एडिशनल डांस फ्लोर कह लो, सिट आउट एरिया कह लो, मेडिटेशन एरिया कह लो, योगा एरिया कह लो, जो भी कह लोगे ये वही बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर नीच बना के दिया है विद स्टेयर्स रिजन प्लेटफॉर्म के साथ, बैठने की बहुत सुंदर जगह। एंड इसके साथ इस टेरेस में, क्योंकि ये टेरेस डेडिकेटेड है बढ़िया बढ़िया पार्टीज करने के लिए, तो यहाँ पे है एक बहुत ही सुंदर वॉशरूम। ज़रा एक खुद नज़र मार लो, ये है इसका वॉशरूम एरिया, बढ़िया मतलब टॉप क्लास सर, ओके। और साथ में है इसकी पैंट्री, पैंट्री में अभी थोड़ा काम बच रहा है क्योंकि थोड़ी सफ़ेदी वगैरह काम चल रहा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पे आपके माइक्रोवेव्स, ओवन गर्म करने के लिए चीज़ें हैं, हलवाई बिठाने के लिए जगह, शेफ को जगह जिसको चाहिए खाना बनाने के लिए, सब कुछ यहीं पे है। सो ऑन दैट गुड नोट, पसंद आई प्रॉपर्टी, मज़ा आया देख के? अगर मज़ा आया प्रॉपर्टी देख के, ऐसी कोई धांसू प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे यहाँ पे दिया ही हुआ है, सो कॉल कर लो, मिलने आ जाओ। ऐसी ही बहुत सुंदर प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा, पूरे एरिया का आइडिया भी दे दूंगा, प्राइसेस का आइडिया भी दे दूंगा, और मतलब ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी। मेरा ये रोज़ का काम है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आई नो इट कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, विच इज़ वाई इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपकी प्रॉपर्टी सर्च में हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपको आइडिया भी नहीं है, मतलब इतना सारा हर चीज़ का मेरे पास जुगाड़ है, हर चीज़ हम क्लोज करवा सकते हैं। और जो आपको खरीदना है, जो आपको ढूंढना है, वो मैं हर चीज़ बता दूंगा गुड़गांव में मिलती कहाँ पे और है कहाँ पे। सो लाइक शेयर एंड प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड टिल सच टाइम यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी, गिव अस अ कॉल, कम एंड मीट अस एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। दिस इज रंजन कपूर साइनिंग ऑफ फॉर द नाटी वेंचर्स। चीयर्स।